नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज। वैशाली न्यूज के इस खास कार्यक्रम आपकी बात में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला। इन्होंने भी हाजीपुर विधानसभा सीट से अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है। आज ही इन्होंने बाबा हरिहर पतालेश्वर नाथ मंदिर में मत्था टेक कर आज इस चुनाव अभियान की शुरुआत की है। और इनका भी दावा है कि इन्हें टिकट मिलेगा और ये चुनाव यहाँ से लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। इनका दावा कितना सही है, पहले तो इनसे बात कर लेते हैं कि किस किन किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ने के लिए की तैयारी कर रहे हैं और इन्हें ऐसा क्यों लगता है कि टिकट इन्हें ही मिलेगा। मनोज जी, आपका सबसे पहले हमारे स्टूडियो में स्वागत है। चूँकि सभी लोग दावेदारी कर रहे हैं, हालांकि पिछले चुनाव में कांग्रेस की सीट रही है, यहाँ से चुनाव भले हार गए हों लेकिन सीट कांग्रेस की ही रही है, लेकिन इस बार आप ही के गठबंधन के मैं हमारे स्टूडियो में आया था, उन्होंने दावा किया था कि टिकट उन्हें मिलेगा। एक और वो दावा कर रहे हैं, दूसरी ओर आप दावा कर रहे हैं, ऐसा क्यों लगता है कि आपके जो महागठबंधन के जो वोटर हैं इन तमाम बातों से कंफ्यूज हो जाएंगे, कहाँ जाएं, कैसे जाएं, कैसे करें, आखिर क्या कन्फ्यूज होने का कोई सवाल नहीं है। बहुत कम समय में ही चुनाव घोषणा के बाद प्रत्याशी भी घोषित हो जाएंगे और प्रत्याशी चूंकि पिछली बार कांग्रेस पार्टी ही यहाँ से चुनाव लड़ी थी, पिछली बार महागठबंधन बना था, 101 सीट आरजेडी लड़ी थी और 41 सीट हमारा कांग्रेस पार्टी लड़ा था और 101 सीट नीतीश कुमार जी का पार्टी जदयू लड़ी थी। चूंकि नीतीश कुमार जी की पार्टी अब इस गठबंधन में नहीं है तो पिछला जो हमारा 101 सीट आरजेडी का है और 41 सीट कांग्रेस पार्टी का है, वो हमारी पार्टी चाहती है कि 101 सीट जो आरजेडी का है उसमें हम कहीं इंटरफेयर न करें और 41 सीट जो हमारा है उसको हम हर हाल में लड़ें। ये पूरी दावेदारी है पार्टी का और पार्टी चाहती है कि हर हाल में, चूंकि पिछली बार 75,000 वोट हमारे पार्टी को यहाँ आया था और थोड़ा तो जब 75,000 वोट आया था तो अभी भी चूंकि पुराने नेता रहे हैं जगन्नाथ जी और MLC भी रहे हैं जी, बड़े नेता हैं, एक्सपीरियंस भी काफ़ी अधिक जी, उनको छोड़कर पार्टी आपको ही टिकट क्यों देगी, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि वो तो ऑलरेडी अभी चुनाव मैदान में है ही, चुनाव भले उनकी तैयारी नहीं दिख रही है लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का जिस तरीके से भरोसे की बात कर रहे हैं तो जिस प्रकार से 75,000 वोट लाने की बात है निश्चित तौर पर काफ़ी अधिक वोट माना जाएगा, तो वैसी स्थिति में उनको न लड़ा करके आपको पार्टी क्यों लड़ेगी? अगर मान लीजिए टिकट आपको मिलता भी है, कांग्रेस को भी सीट जाती है, तो आपको क्यों लड़ता है? हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से हमारा बहुत अच्छा संबंध था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो पुराने उम्मीदवार हैं आदरणीय जगन्नाथ बाबू, वो थोड़ा 5 साल से अभी क्षेत्र में है नहीं और हमको पूरी जानकारी नहीं है लेकिन सुनने में आता है कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं है, उम्र भी उनका लगभग 80 के आसपास, 75-80 जो भी है, हम पूरी जानकारी नहीं है कितना उम्र है उनका लेकिन उम्र है तो, और शारीरिक अस्वस्थता के चलते हमको लगता है कि वो चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते हैं। अगर वो स्वस्थ हैं तो अभी कहा नहीं जा सकता कि वो नहीं ही लड़ेंगे, अगर वो लड़ना चाहते हैं, उनकी इच्छा है, स्वस्थ हैं तो पार्टी जरूर उन पर भी विचार करेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमको 27 नवंबर 2018 को विधिवत अक्षयवट स्टेडियम हाजीपुर का सम्मानित मैदान है, उस मैदान में विधिवत शक्ति सिंह गोहिल जो हमारे प्रभारी हैं बिहार प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा कि मनोज जी आप हाजीपुर में ज्वाइन कीजिए और हम आपको चुनाव लड़ाएंगे और हाजीपुर से विधिवत आप काम शुरू कर दीजिए। पिछले 2 साल से हम यहाँ काम कर रहे हैं। क्या क्या काम किया अभी तक आपने दो साल में ज्वाइन करने के बाद? क्योंकि जहाँ तक हम लोग की नज़र जाती है बहुत ज़्यादा जिस तरीके से और
नेता दिखाई पड़े, चाहे वो कोरोना का समय हो, चाहे वो बाढ़ का समय रहा हो, इस इलाके में भले ना थोड़ा बहुत ही रहा हो लेकिन संकट की तो घड़ी रही है, वैसे परिस्थिति में मनोज शुक्ला बहुत अधिक दिखे नहीं। मनोज शुक्ला दिखे, काम किए, लेकिन मीडिया में उतना नहीं दिख सके। वो मेरी कमी है, मेरी व्यक्तिगत कमी है कि हम मीडिया में अपने आप को उतना नहीं दिखा पाते हैं। इसमें हमको सुधार करने की ज़रूरत है। बच गई बात कि जो आपका अभी वर्तमान, हम चूँकि विपक्ष में हैं तो हम सरकार से आवाज़ उठाएंगे काम करने के लिए। तो विधिवत हमने सरकार से जो भी पदाधिकारी हैं उनसे मिल के जो भी समस्या है उसको हमने उठाया है और उसको हाजीपुर निदान करने का प्रयास किया है, लेकिन सरकार बिल्कुल निकम्मी है। सरकार को संवेदनहीन हो चुकी है अपनी सरकार। कोरोना में जो बिहार सरकार है, नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, संवेदनहीन हो चुके हैं। कोरोना जैसे महामारी में एक तरफ देखा गया कि दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री चाहे वो छत्तीसगढ़ के हों, चाहे पंजाब के हों, चाहे राजस्थान के हों, पूरी तन्मयता से कोरोना से लड़े हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री जी बिल्कुल लॉकडाउन में, उन्होंने कहा भी कि लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन, मैं लॉकडाउन में था, पूरी तरह लॉकडाउन का पालन कर रहे थे, और उन्होंने कोई बिल्कुल इसको संवेदनहीन, हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी जनता के प्रति संवेदनहीन हैं, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोरोना महामारी से लड़ने में वो सफल रहे। वैसे तो कहें तो कांग्रेस के भी कोई नेता सामने नहीं दिखाई पड़े, बड़े नेताओं से तुलना कर दी, खास करके नीतीश कुमार से तुलना कर, चुकी इसके लिए जिम्मेवार भी है, लेकिन कांग्रेस के नेता भी उस स्तर पर सड़कों पर दिखाई नहीं पड़े, लोगों के साथ दिख नहीं दिखे। कांग्रेस तो पब्लिक के दिमाग में ये बात है ना कि कांग्रेस चूंकि पार्टी हुआ करती थी, जो स्थिति बिहार में और देश में हुई, अब तो चूंकि केंद्र में भी उसी तरह की स्थिति बन गई है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को आपको नहीं लगता कि कुछ कमी रह गई है या कुछ गलतियां हुई है जिसे सुधार करने की? राजनीति 70 साल से हम लोग जब से देश आजाद हुआ है तब से हम लोग रहे हैं पार्टी में। पिछले 30 साल से हम लोग सरकार में यहाँ नहीं हैं, पार्टी हमारी यहाँ कमज़ोर कुछ हुई है, लेकिन हम लोग रिकवरी कर लेंगे। जहाँ तक काम करने का मामला है तो इस कोरोना में कांग्रेस पार्टी के तरफ से हर जिला में, ये नहीं कि मनोज शुक्ला के तरफ से, कांग्रेस पार्टी के तरफ से, मनोज शुक्ला तो अपने तरफ से किए ही, कांग्रेस पार्टी के तरफ से इस महामारी में हर जिला में साबुन, मास्क, सैनिटाइजर बांटा गया है, विधिवत दिल्ली से आदेश हुआ है। कांग्रेस पार्टी की नेता हमारी अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी ने कहा कि भाई बिहार का मजदूर का हम रेलवे का खर्च देंगे, हम बस का खर्च देंगे, कांग्रेस पार्टी के तरफ से मजदूर को लाया जाए। इसलिए कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हमारा पूरा पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पूरा एकदम संवेदना था कि भाई मजदूर को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, विद्यार्थियों को कोई, हमारे आदरणीय नेता अखिलेश बाबू ने कहा था कि राजस्थान से मैं बस दूंगा और राजस्थान से विद्यार्थी यहां आएगा, जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी अरे हुए थे कि किसी हालत में विद्यार्थी नहीं आएगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरी तन्मयता से बिहार प्रदेश के लिए कांग्रेस काम कर रही है और हर मुद्दे पर कांग्रेस अपना दिखा रही है अपना काम। हाँ, हो एक समस्या हमारे पार्टी के अंदर है कि हमने पार्टी को अभी काम करने पर भी कवरेज नहीं मिल रहा, अब उसके पीछे क्या रीजन है हम नहीं जानना चाहते, लेकिन कवरेज हमारे पार्टी के काम को नहीं, जबकि जानते हैं कि विद्यार्थियों के लिए आदरणीय अखिलेश बाबू ने कहा था कि राजस्थान से विद्यार्थी आएगा और मैं बस दूंगा। ये भविष्य तो बस देने की बहुत सारी बात, बहुत सारे पार्टियों ने जिक्र किया, आरजेडी के भी कुछ लोगों ने कहा, पप्पू यादव ने भेजा भी, बहुत सारे लोग थे, तो अलग मैटर है, लेकिन जो कहते ना कि जो दिखता वही बिकता, तो कहीं ना कहीं आप लोग दिख नहीं रहे थे। दिखने में अब थोड़ा सहयोग आप लोगों का भी होता है। दिखने में देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश का ही नाम उठाते हैं, प्रियंका गांधी जी ने कितना बस लाया दूसरे स्टेट से भी, लेकिन सरकार उसको काम नहीं करने दिया, मजदूरों को आने से रोका गया। तो हमारे पार्टी सरकार में नहीं है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में,
यहाँ नीतीश कुमार जी हमको काम करने से कोई अगर अच्छे मुद्दा पर हम काम करना चाहते हैं तो सरकारी तंत्र हमारे पीछे लग जाती है कि इसको काम करने नहीं देना है, इसको जनता के बीच में आने नहीं देना है। तो ये तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत लंबी इसकी जिक्र करेंगे तो बहुत लंबी जी जी चली जाएगी। हाजीपुर की बात कर लेते हैं, चूंकि आप चुनाव लड़ने की बात करें, मैंने पहले भी सवाल कहा कि देवकुंवर चौरसिया भी आपके गठबंधन से, फिलहाल जो गठबंधन है जी उस गठबंधन से आते हैं और उन्होंने लगातार दावा कर रहे हैं, आप भी दावा कर रहे हैं जी, उनका चुनावी कुछ मुद्दा था, आपका क्या मुद्दा? मेरा मुद्दा एक ही रहता है विकास बाबू, हम 2005 में यहाँ से लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार हुए थे, 2005 15 साल हो गया लगभग, तब से हम एक ही मुद्दा पर काम कर रहे हैं, विकास के मुद्दा पर। और हम लोक जनशक्ति पार्टी में भी थे तो दिन रात हमने जनता की समस्याओं को लेकर और रामविलास पासवान जी से भी काम करवाया था। आज भी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से कांग्रेस पार्टी का जो भी सामान आया, सैनिटाइजर आया, साबुन आया, मास्क आया, हमने जनता के बीच में वितरण कराने का काम करवाया। हमारे कार्यकर्ता गए, हम भी गए, जनता के बीच में हमने उसको वितरित किया। ये तो वितरित करने का था मेरा सवाल, ये था कि अगर आप चुनाव में आते हैं तो आपका मुद्दा क्या होगा, हाजीपुर के लिए क्या मुद्दा होगा, विकास मुद्दा, तो बहुत सारे तरीके, क्या होगा, क्या योजना होगी, ये तो एक जनरल बात होगी। आज छोटे से बच्चे से भी पूछेंगे किस बात की बात करो तो विकास की बात करो, ठीक है, तो आखिर कुछ तो रोड मैप दिखाई पड़ना चाहिए, ब्लूप्रिंट दिखना चाहिए, इसका एक ब्लूप्रिंट बन रहा है, हम चुनाव में आएंगे तो उसका ब्लूप्रिंट दिखाएंगे भी आप लोगों को। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का मुद्दा है, हमारा पूरा युवा, हाजीपुर का युवा देख रहे हैं बिल्कुल बेरोजगार, बेरोजगारी जहां रहती है वहां क्राइम भी बढ़ जाता है, एकदम रोजगार का क्राइम से संबंध है, अगर रोज बेरोजगारी है तो वहां क्राइम होगा। तो बिहार पुलिस मुख्यालय ने तो जो जारी किया है रिपोर्ट कार्ड, उसमें वैशाली को सबसे बेहतर जिला माना गया है कि पुलिसिंग के लिए सबसे बेहतर जिला माना गया है पिछले कुछ दिनों में, जिस प्रकार से वैशाली जिले में क्राइम बढ़ा था निश्चित तौर पर उसमें काफी कमी आई है और कहीं ना कहीं इसके पुलिसिंग को ही इसका उसमें पुलिसिंग को हम नहीं मानते हैं, उसमें हम मानते हैं ज़्यादातर कोरोना को, कोरोना के महामारी के चलते जो लॉकडाउन हुआ उसके चलते क्राइम यहाँ रुका है, पुलिसिंग इसमें नहीं। पिछले दो साल का आप रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए, कितने हमारे मित्र इसके शिकार हो गए अपराध के, और अपराधियों ने बगैर कारण के, कहीं पता नहीं चला आज तक, पुलिस कोई उसकी जाँच करके नहीं बता पाई कि कैसे राकेश यादव का मौत हो गया, कैसे मार दिया गया गोली, किस कारण से मार दिया गया आज तक पता नहीं चला, कैसे मुकेश जी का हमको कोई पता नहीं, कोई मीडिया में नहीं आया कि उसकी जांच में क्या आया रिपोर्ट। ऐसे हमको तो लगता है कि दो साल में सैकड़ों हमारे साथी हाजीपुर के नौजवान मारे गए हैं, बड़े बिजनेसमैन मारे गए हैं, कल भी बैंक डकैती हो गया, आखिर कौन कर रहा, पुलिस इसमें क्या कर रही है जांच, हमको लगता है कि एक आध दर्जन बैंक डकैती हो चुका है एक आध दो साल के अंदर में, तो आखिर हाजीपुर में हो क्या रहा है और क्राइम कैसे कंट्रोल हो गया, कैसे मुख्यालय पुलिस मुख्यालय रिपोर्ट दे रही है, कहां से रिपोर्ट आ रहा है, कौन रिपोर्ट बना रहा है, ये तो विषय है जांच का। हमको नहीं लगता है कि हाजीपुर में क्राइम कैसे कल बैंक डकैती हो गया, मतलब कहने का अर्थ है कि पुलिस मुख्यालय जो रिपोर्ट जारी करी है उसमें कुछ फर्जी है, बिल्कुल फर्जी है, हम इसको नहीं मानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वैशाली जिले को ही सबसे अव्वल माना गया है कि जिस प्रकार से पुलिसिंग में बेहतरी हुई है इससे क्राइम कंट्रोल हुआ, ये कोरोना कारण है, उसमें पुलिसिंग कारण का कोई कारण नहीं, कोरोना कारण। क्राइम को रोकने के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि अब भी इस चुनाव मैदान में कूदने के लिए तैयार है, आपके पास भी तो कुछ तो योजना होगा, क्योंकि देखिए पब्लिक बिना किसी को जाने बुझे समझे अब वोट नहीं करती, तो कहीं ना कहीं आपको बताना पड़ेगा कि आपका भरोसा हो कि मनोज शुक्ला हमारा नेतृत्व करेगा तो हमारा हाजीपुर का विकास होगा, हमारे हाजीपुर में बेहतर शहरों में गिनती में है, तो कहीं ना कहीं आपको बताना पड़ेगा, सिर्फ ये कहने से कि हम ब्लूप्रिंट बना रहे हैं और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह जाएगी, क्या योजना होगी आपकी इस विकास को लेकर के, क्या क्या विकास के लिए सबसे पहले मामला है कि जो हमारा हाजीपुर शहर है, पहले हम विकास इधर रोजगार पर भी आएंगे और क्राइम कैसे कंट्रोल होगा उस पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले है कि मेरा हाजीपुर शहर है, शहर से ही विकास दिखता है, गांव में जो भी है मामला सब लोग शहर से गांव के लोग टच में रहते हैं, तो गांव का तो विकास करना ही है, गांव जब तक विकास नहीं करेगा तब तक देश विकास नहीं करेगा, लेकिन
मुख्य रूप से पहले शहर में हम लोगों को देखना होगा। शहर में विकास तब होगा जब शहर की सड़कें अच्छी हो जाएंगी, हर गली का सड़क अच्छा हो जाएगा। और शहर में सबसे चाहे कोई भी शहर हो, हाजीपुर शहर की मामला नहीं, कोई भी शहर हो, उसमें जल जमाव का समस्या भीषण है और हाजीपुर शहर तो त्रस्त है इससे। आपके ठीक बगल में आपका वीर कुमार सिंह कॉलोनी है, हम जाते थे उस कॉलोनी में, हमको पिछली बार बराबर जाना पड़ा था, कुछ हमारे मित्र हैं उसमें, कुछ हमारे समर्थक हैं, हमको जाना पड़ता था। हमको लगता था कि 4 फीट पानी पूरा, हम पैंट कपड़ा अपना भिगा के तब जाते थे, हमको जाना पड़ता था, हमारी मजबूरी थी। और गांधी आश्रम है आपका, पूरा हेला बाजार का एरिया है, पानी निकासी वही गंगा में उधेड़ से जाता है, इतनी समस्या 3 महीना रहती है। पता नहीं यहाँ का जो भी जनप्रतिनिधि है, हमारे आदरणीय MP साहब हों चाहे आदरणीय हमारे विधायक जी हों, अभी तो हाजीपुर हॉट बना हुआ है, यहाँ से 3 MP क्षेत्र है, एक आपका गृह राज्य मंत्री भी यहाँ से इसी डिस्ट्रिक्ट के एक रहने वाले और भी हैं, और एक आता भी है क्षेत्र। इसमें थोड़ा संवेदना रखना होगा हाजीपुर के प्रति उन लोगों को, क्योंकि अभी भी हाजीपुर उन्हीं के कब्जे में, उनका दायित्व तो बनता है। अभी एक और बात बताई थी कि लोजपा में भी आपने काफी समय दिया है, चुनाव भी लड़े हैं, यहाँ से लोजपा के सांसद भी हैं जी, दिखते ही नहीं, तो दिखते नहीं है तो इसमें तो अभी चूंकि हम उनके साथ नहीं है तो इधर मामला वो बताएंगे, हमारी बात भी इधर नहीं होती और हम जानते हैं उनको अच्छी तरह से, स्वस्थ भी नहीं है और आदमी को अपनी जीवन स्वस्थता तो आज की बात है, तो चुनाव से के समय से ही उन्होंने कहा हुआ था कि वो पहले से भी, उन्होंने ऐसी स्टूडियो में आकर एक बयान भी दिया था कि मैं बोलता नहीं हूँ करके दिखाता हूँ, तो ऐसा लगता है कि पिछले दो इस बात में दम नहीं है, करते कुछ नहीं है, वो रामविलास जी के भाई हैं और इसलिए नेता है, बस इसलिए नेता है। रामविलास जी नेता हैं, रामविलास जी के साथ हम काम किए हैं, रामविलास जी नेता हैं, उनके नेतागिरी पर हमको कोई प्रश्न चिन्ह उठाने का सवाल नहीं है, लेकिन पारस बाबू रामविलास जी के भाई हैं इसलिए नेता हैं, उनके अंदर नेतृत्व नहीं है। चलिए नेतृत्व की बात तो अलग बात हो गई, अब एक और सवाल, चूंकि एक चुनाव में एक अहम सवाल होता है, कहीं ना कहीं पूरे बिहार में या पूरे देश में कहें कि बिहार में चुनाव अगर हो और जातीय समीकरण की बात न हो तो कहीं ना कहीं चुनाव दोहराया जाता है, या फिर अगर जातीय गणना जिसकी अच्छी ना हो वो चुनाव हार भी जाता है। कितना मानते हैं कि अगर जातीय समीकरण ना बिठाया जाए तो चुनाव नहीं जीतेगा? बिल्कुल, हम इसको 100% मानते हैं। उसमें आप कहाँ फिट बैठते हैं? हाजीपुर विधानसभा में जी, बिल्कुल हाजीपुर विधानसभा में सब लोग जानते हैं कि यहाँ यादव समाज का 1 नंबर पर वोट है, 2 नंबर पर भूमिहार समाज का वोट है, हम उसी जाति से आते हैं, हमारा आधार है, हमारा पकड़ है, हम 2 बार विधानसभा लड़े हैं, निर्दलीय में भी हमारा समाज हमारा साथ दिया है, और हमारा समाज ही नहीं, वर्तमान परिस्थिति है तो हमको हर समाज में, चाहे वो कोई समाज हो, हमको चाहे वो दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, चाहे सवर्ण समाज के लोग हों, हर समाज में मेरा थोड़ा या बहुत पकड़ है। और अकेले दम पर हम नहीं कह रहे हैं कि हम अकेले दम पर कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर गठबंधन का टिकट मिला और मेरा, मैं भी एक पार्टी हूँ यहाँ, मैंने निर्दलीय बन लड़के साबित किया हूँ कि मनोज शुक्ला भी हाजीपुर विधानसभा में एक फैक्टर है। जिस दिन मनोज शुक्ला को गठबंधन का टिकट मिल गया तो मनोज शुक्ला का जो वोट है और गठबंधन का वोट मिलके यहाँ से काफ़ी बड़े अंतर से हम लोग चुनाव जीतेंगे। तो टिकट मिलने की बात है, अगर मान लीजिए टिकट नहीं मिला फिर क्या? टिकट नहीं मिला, हम पार्टी के साथ हैं, हम पार्टी का काम करेंगे, हम पार्टी के सिपाही हैं, हम राहुल गांधी सोनिया गांधी अखिलेश सिंह के सिपाही हैं, हम जहां वो हमारे नेता हैं वहां हम हैं, उनके आदेश का हम पालन करते हैं। ऐसे कोई आश्वासन वगैरह मिला है क्या? बिल्कुल, आश्वासन पर ही काम होता है और आशा पर ही दुनिया टिकी हुई है, तो हमारे को हमको पूरा आश्वासन है, हमको पूरा विश्वास है कि हाजीपुर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के चाहे स्थिति जो रहे हम उस पर आगे नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हम होंगे ही, कांग्रेस पार्टी यहाँ लड़ेगी, टिकट मिलती है तो आप ही होंगे जी। बिल्कुल, हमको पूरा विश्वास है अपने नेता पर, अपने पार्टी पर। चलिए, बहुत सारी बातें हुई, समय हम की बाध्यता है, समय की थोड़ी कमी है, फिर दोबारा हम कोशिश करेंगे कि अगर ये टिकट लेकर के आते हैं तो हम दोबारा इन्हें अपने स्टूडियो में बुलाएंगे और तमाम उन तीखे सवालों का जवाब मांगे जो आज
इन्होंने ब्लूप्रिंट के बाद की बात कही है, उनका उस दिन समझ में आएगा कि ब्लूप्रिंट है क्या, किस तरीके से ये चुनाव मैदान में आएंगे और क्या क्या योजना है इनकी, इन तमाम बातों को जानने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस आपकी बात कार्यक्रम में बस इतना ही, विकास को दीजिए याद, नमस्कार।